सो हेलो एवरीबॉडी। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एपिलेप्सी के ऊपर मिथ्स एंड फैक्ट्स की वीडियोज़ की सीरीज़ चल रही है, तो आई होप कि पुरानी वीडियोज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ऐसे ही कुछ और मिथ्स और फैक्ट्स लेके आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि एपिलेप्सी हमारे समाज में माना जाता है कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, या फिर किसी में जैसे मानते हैं कि माता आ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन में अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने की वजह से होता है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग मरीज़ को किसी झाड़ फूँक के लिए ले जाते हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने की वजह से ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट टाइम सारा हमारा वेस्ट हो जाता है, और जब तक एक्चुअल ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, पेशेंट को सीधा हॉस्पिटल लेके आएं, उनको एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ मिलनी चाहिए जिससे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और पेशेंट पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। तो दूसरे मिथ की बात करते हैं। आमतौर पर लोगों में ये माना जाता है कि जो एपिलेप्सी के मिर्गी के मरीज़ होते हैं उनका IQ कम होता है, या वो स्लो होते हैं, या मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एपिलेप्सी के जो मरीज़ होते हैं उनका दिमाग आपके और मेरी तरह ही तेज़ होता है। हमारे पास एग्जांपल हैं सोसाइटी में फेमस पर्सनालिटीज़ के, जैसे जॉन्टी रोड्स, मार्टिन लूथर, जो अपने अपनी फील्ड्स में बहुत महारत हासिल किया और दुनिया पे फतेह हासिल किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एपिलेप्सी के मरीज़ों का IQ लो होता है। हाँ, कुछ 1-2% मरीज़ ज़रूर होते हैं जिनको रिपीटेड अटैक्स होते हैं, बार बार फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट सभी मरीज़ों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनका IQ आपके और मेरी तरह बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने 2 मिथ ब्रेक किए। एक तो कि एपिलेप्सी कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये ब्रेन की अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने की वजह से होती है, और दूसरा कि एपिलेप्सी के हर मरीज़ का IQ लो नहीं होता, वो हमारी और आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल इंटेलिजेंट होते हैं और दुनिया में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम करने के लिए पूरे कैपेबल होते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ और मिथ्स और फैक्ट्स के साथ एपिलेप्सी के ऊपर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।